Hello friends, so today I am going to teach you how you can say no without being rude in a very polite way. The first sentence is I am all set. जैसे आपको किसी ने डिनर पर इनवाइट किया, आप डिनर पर गए और उसके बाद वो आपसे बोलता है और ले लीजिए प्लीज़, तो आप बोलते हैं like, I am all set. Instead of saying no, you can speak I am all set. Next is, या फिर आप बोल सकते हैं I am all good. मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए. Now the next is, I appreciate the offer, however, appreciate means प्रशंसा करना, सहारा मतलब जैसे तारीफ करते हैं किसी की. I appreciate the offer, however, जैसे however के बाद आपको अपना reason देना होता है. आप directly किसी को no नहीं कर पाते, तो उस केस में आप बोल सकते हैं, जैसे आपको कोई बोलता है कि आप प्लीज़ यहाँ पर आना हमारी इस पार्टी में, एंड यू हैव टू स्पीक लाइक आई अप्रिशिएट द ऑफर, हाउएवर आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड. नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम अफ्रेड आई कांट. अफ्रेड हेयर मीन्स मुझे खेद है. अफ्रेड का मतलब यहाँ पर डरने से नहीं है. आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम ऑलरेडी लेट. सपोज आपसे ऑफिस में कोई पूछे क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी. इन दैट केस इफ़ यू डोंट हैव टाइम और यू डोंट वॉन्ट टू से नो डायरेक्टली, यू कैन स्पीक लाइक आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम ऑलरेडी लेट. नेक्स्ट इज आई विश आई वर एबल टू. आई विश आई वर एबल टू, काश जैसे काश आप उनका काम कर पाते, या फिर किसी ने आपको इनवाइट किया और आप नहीं जा सकते, उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट. जैसे किसी ने आपसे पूछा तुम आज हाउस पार्टी में आना है ना, पक्का आना, और आप डायरेक्टली नो बोलोगे तो इट्स लाइक सो रूड ना इफ अ पर्सन इज इनवाइटिंग यू. इन दैट केस यू हैव टू स्पीक लाइक आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट. नेक्स्ट इज आई एम सॉरी इफ ओनली आई कुड. जैसे जब आपसे कोई हेल्प मांगता है, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना विल यू लेंड मी सम मनी. आई एम सॉरी इफ ओनली आई कुड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रूर देता अगर मैं दे सकता तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मीड वीडियो.